तारा जी नमस्ते। बस 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 नमस्ते। बस वहीं पे रुको रुको, उनको जान दो, इधर आ जाओ, उनको जाने दो, रवि जल्दी भीड़ खर्च करो, पीछे पूरा भीड़ हटा दो, रुको रुको, बहुत भीड़ है, पीछे भीड़ हटा दो, पासिंग वेट, पासिंग पासिंग, रुक जाओ रुक जाओ, आ ही जाना, यस क्यों से आ जाइए, पीछे आ जाइए, पांच लोग पीछे आ जाइए, पीछे पीछे दस से भाई कैमरा पीछे सब लोग, सब लोग क्लियर, सब पीछे से क्लियर, पीछे से क्लियर, हाँ नीचे हो तो कैमरा बस बराबर है, बराबर है, सारा जी, तारा जी यहाँ पे सेंटा सेंटा सामने मैडम सर राइट जी, काश लो, हाँ करते हैं काश, हाँ काश काश, विक्रांत सर सामने से सेंटा सेंटा, yeah one trip cast cast and then meji baby piche baby baby then you want to teach you all of you look here, look here sara ji, sara ji right right sara ji aap चित्रांगना जी सामने एकदम, सामने सामने एकदम, विक्रांत सर राइट, सोलो सोलो करो, हां अच्छा वाला मोबाइल, सोलो 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 कर लेते ना क्विकली, पहला कौन नहीं नहीं पहले लेडीज को सोलो लो, प्रियांशु फोन पहले, सारा जी सारा मैम राइट से, बस थैंक यू भाई, सारा जी सामने सामने, सारा जी यहां पे आप सामने मैम राइट राइट, समझ में आएगा नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आ जाओ, जितने आना है उनको, बस हो गया बस हो गया, अरे बस 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 पासिंग बस 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 राइट राइट मैम राइट, चित्रा मैम 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 सेंटर सेंटर, यस चित्रा मैम सेंटर, हाँ मैम राइट, अरे यार एक सेकंड मैम यहाँ पे चित्रांगना सामने एकदम मैम, थोड़ा हेयर ऐसा कर लो ना, हाँ बस क्या बात है, हाँ क्या बात है मैम राइट, चित्रांगना जी विक्रांत सर, विक्रांत सर यहाँ पे सेंटर सर राइट, हाँ राइट सर, राइट सेंटर ऑल, थैंक यू सर, रमेश जी सोलो, रमेश सर यहाँ पे सर राइट, सर सर वो तो किया, रमेश जी सोलो, रमेश सर सोलो सर, थोड़ा इस तरह आ जाओ, हाँ बस पासिंग वेट सर, रमेश सर यहाँ पे राइट, अरे यार रमेश सर यहाँ पे आ सर, लेफ्ट लेफ्ट थैंक यू रमेश सर,
Happy birthday. Now I have to go to my room. Bye. Thank you. Okay, sir. So firstly, congratulations for the guidelines. Response काफी अच्छा आ रहा है. सारा, you are looking very good. All three of you are looking very good. Thank what you. What would you like to say about the response from the people? I think, thank you. Yeah, thank you, and please recommend the film, share the trailer, and watch the film. And yeah, 31st of March on Disney Plus Hotstar. Sara, agar पोस्टर देखे और ऑब्वियसली आप गैस लाइट हाथ में लेके कुछ बता सकते हैं रात के अंधेरे में गैस लाइट लेके कहाँ जा रहे हो आप लोग हम आपके पास आ रहे हैं 31st मार्च को हमारी गैस लाइट लेकर आप अपनी गैस लाइट छोड़कर हमारे पास आ जाइए और देख लीजिए सारा एज यू वर द फर्स्ट चॉइस ऑफ कास्ट किस तरह से आपको रोल के लिए ऑफर किया एंड क्या कुछ स्क्रिप्ट में आपको ऐसा लगा कि इट्स रियली गुड एंड यू शुड डू द गैस लाइट So, मुझे definitely लगा I should do it and then I did it. Tell us something more about your role. What do I tell you? मैं इतना बोलूँगी आपको कि मैंने जो भी किया है अभी तक as a character या as a genre बहुत अलग है ये film. Wheelchair पर हूँ जैसे आपने देखा है और उसके अलावा भी ये जो एक डरावनी सी दुनिया है एक अलग सा किरदार है तो बहुत ही अलग स्पेस है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी आप तीनों पहली बार सस्पेंस थ्रिलर कर रहे हैं शायद तो हाउ इज इट लाइक मतलब किस तरह से सेंसेशन था आपके लिए पहली बार आप कर रहे हैं तो आपके लिए सवाल है तीनों के आप बोल दो जी सॉरी कम अगेन मतलब पहली बार आप सस्पेंस थ्रिलर कर रहे हैं तो किस तरह से आपको होता उसका मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी जैसे सार ने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी टीम बहुत अच्छी थी जो हमारी टेक्निकल टीम थी वो भी यू नो टॉप नॉच लोग थे यू नो वी हैड द बेस्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल एंड लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस हैज टू से अबाउट इट Sorry to interrupt you. Can we have the not media people just like not record us? Is that possible? Thank you so much. There are like lots of people. Bhavya. Bhavya. Usko bol ban jaye. After this. Are? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. You can leave. Yeah. जी सर आप बता रहे थे मुझे पहली बार सस्पेंस फील कर रहे हैं कितना एक्साइटमेंट है फॉर द चैलेंज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मैम एज एन एक्टर मेरी हमेशा यही चाहत है और हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं अलग अलग तरह की फिल्में कर पाऊँ अलग अलग किरदारों के रूप में आ पाऊँ और हर रोज़ कुछ अलग और कुछ नया सीख पाऊँ नहीं मुझे एक्चुअली भी बहुत अच्छा लगा ये करके एक अलग एक्सपीरियंस है एक अलग तरह की दुनिया है तो उस कैरेक्टर ऑल्सो जो कैरेक्टर है बहुत अगेन अलग है सॉरी टू यूज़ द वर्ड अगेन एंड अगेन पर क्लिशे लगता है लेकिन सच में बहुत अलग है सो बहुत अच्छा लगा एंड पवन एंड ऑफकोर्स को एक्टर्स इतने अमेजिंग सो बहुत ही एक प्लेजेंट मेमोरेबल एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर सारा एस वी हैव सीन इन द ट्रेलर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर डैड और कुछ मिस्ट्री है उस पे उसके पीछे डैड को लेके काफी सारा जिक्र हुआ था जैसे आपके डैड का क्या रिस्पांस था जैसे ट्रेलर आया एंड उसके पहले भी जब आप ये शूट कर रहे थे उस टाइम आपने कुछ बताया आपके किरदार के बारे में तो आपके डैड का क्या रिस्पांस था ओवरऑल गैस लाइट को लेके मेरे डैड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं लाइक ही इज फॉर मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स लेकिन वो पवन सर के साथ और अक्षय सर के साथ काम कर चुके हैं चित्रा मैम के साथ भी काम कर चुके हैं तो आई थिंक दैट इस बार वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज पवन सर की लास्ट फिल्म में वो थे इट्स वेरी स्पेशल कि आई एम यू नो वर्किंग
सो क्लोज टू माई फादर, यू नो. तो उन्होंने एक्चुअली पवन सर को फ़ोन किया, अक्षय सर को फ़ोन किया और बोला दैट ही एब्सोल्युटली लव द ट्रेलर. तो मुझे अच्छा लगा. विग्रान जी, जितना भी आपने पांच परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, जो भी आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं काफी सिलेक्टिव होते हैं और काफी मजेदार होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसमें क्या कुछ नया देखने मिलेगा आपके पांच परफॉर्मेंस? ये रोल हाँ बोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे पहले तो थैंक यू. और कोशिश यही रहती है कि यू नो हर फिल्म के साथ कुछ अलग कर पाऊँ, एज एन एक्टर भी अपने आप को यू नो चैलेंज कर पाऊँ और ऑडियंसिस को भी कुछ नया दे पाऊँ. ऑनेस्टली मतलब जैसे मैम ने कहा कि सॉरी टू यूज द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन, बट मैंने थ्रिलर्स की हैं पहले, बट जो मैंने इस फिल्म में किया है, जो कपिल के साथ मैंने किया है, वो मैंने आज तक नहीं किया है. एंड दैट वॉज प्राइमेरली वन ऑफ द रीजन्स वाई आई सेड यस टू द फिल्म, क्योंकि जी हाँ थ्रिलर्स कर चुका हूँ बट जो ये किरदार है वैसा मुझे आज तक किसी ने ऑफर नहीं किया. एंड दैट वॉज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मी टू से यस टू द फिल्म. एंड देन यस पवन एंड सारा एंड चित्रा मैम एंड एज आई सेड यू नो द वंडरफुल टीम दैट मेड गैसलाइट. ये जिस तरह मूवी है तो व्हाई ओटीटी? बिकॉज थिएटर्स आर नाउ ओपन, देयर आर सो मेनी मूवीज दैट आर रिलीजिंग ऑन थिएटर, सो व्हाई ऑन ओटीटी? See, I think if you're asking this to me, I really don't think I'm qualified enough to answer this. Mera ye manna hai ki jo film hoti hai wo ek producer ki film hoti hai. It is their prerogative what they want to do with the film. So I think Akshay sir and Ramesh ji are far more qualified to answer this. Yes. Question. Last question. Sir ji, obviously aapne apna career, you started with Kedarnath, phir Sambhaji, and only post COVID everything has changed. Aur aapne already OTT pe Rangeela aapki aayi thi, jo ki काफ़ी जैसा नाम था वैसी ही उसकी शायद कहानी वानी सब थी. और अब एक और आई थिंक ये फिल्म भी आई है जो काफ़ी हटके है. तो आप बेसिकली दिस लास्ट टू थ्री इयर्स की जो आपकी जर्नी रही है एज एन एक्ट्रेस, तो इस फेज को आप कैसे देखते हैं? व्हाट आर द लर्निंग्स? आई थिंक द लर्निंग्स आर कि सब करो, अलग अलग जॉनर्स करो. मुझे हमेशा से यही चाहती कि मैं हर तरह की फिल्म कर पाऊँ और अब वही कोशिश है कि मैं सीख पाऊँ, अलग 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 जॉनर्स कर पाऊँ और अपने फेलियर्स को अपने आप को डिफाइन ना करने दो, उनसे आगे उठूं, उनसे ऊपर उठूं, अपने आप को माफ कर दूं और अभी आगे बढ़ूं. सर, आपके भाई फिल्मों में आने वाले किसी बहुत सालों से चर्चा है, तो कभी एग्जैक्टली आ रहे हैं? आपको जल्द पता चल जाएगा. कुछ है प्रोसेस ऑनलाइन का प्रोडक्शन? मैं कल कुछ नहीं बोल सकती. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू आर नोन फॉर द ऑब्जेक्ट सिनेमा काइंड ऑफ रोल, तो यहां पर मतलब इस सीन में भी ग्लैमरस काइंड ऑफ रोल, तो अगर ये ग्लैमरस नहीं भी होता पार्ट आई वुड हैव डन इट, टू बी ऑनेस्ट. बहुत ही अमेजिंग पार्ट है, राइटिंग सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हैं. मैंने इस तरह की थ्रिलर नहीं करी है, यू नो लाइक अ मर्डर मिस्ट्री. सो या दैट्स व्हाई. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. हाँ दे भाई, हम भी नहीं पूछो साथ में आएगा, रस्ते में गिरेगा. इसमें चल के देखो, इस पे इसमें भक्कर बे घर तक जाएगा. ये जो बात है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक द गैसलाइट कब जिस दिन से हमने फर्स्ट ट्रेलर छोड़ा है तब से ही उसका एक इंट्रीग बन चुका है और आई थिंक बहुत हमारे यहाँ भी टीम में भी बहुत एक्साइटमेंट है. और आई थिंक जो हॉटस्टार और पब्लिक भी जो देख रही है ट्रेलर फॉर पोस्टर्स देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे जैसे प्रमोशन और हो रहा है उनको ऐसा लगता है कि ये पिक्चर पहले दिन देखनी है. ये बहुत अच्छी एक थ्रिलर है, उसमें आपको ये देखना है कि एक मर्डर है उसको किसने किया है, वो बहुत इंट्रीगिंग है. और पूरी पिक्चर में मतलब एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि जहां लोगों को सोचने का टाइम मिले. और इतना फास्ट जाती है पिक्चर कि उनको सब पता, मतलब दे विल ईगरली अवेटिंग टू सी हु द मर्डरर इज. गैसलाइट टाइटल थोड़ा अलग है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मतलब जब आप किसी को गैसलाइट करते हैं, किसी को साइकोलॉजिकली थोड़ा
डराते हैं या वो करते हैं तो उसको गैसलाइट बोलते हैं, तो इसलिए स्टोरी के हिसाब से ये टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है। जब ये पिक्चर बननी शुरू हुआ था स्टार, जब भी ये स्टोरी हमने सुनी थी, कास्ट सुना था, तो हमने उसी वक्त ये डिसाइड किया था कि इसमें सारा को लेंगे डेफिनेटली, और हमारी फर्स्ट चॉइस सारा थी, देन विक्रांत मासी था एंड देन चित्रांगदा था, तीनों हमारे फर्स्ट चॉइस थे और तीनों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी, उनको स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा एंड दे ऑल थ्री सेड यस एंड वी स्टार्टेड द मूवी। थैंक यू।